नमस्कार दोस्तों, संकट टेल मार्वल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइल्स हम कैसे समझेंगे बराबर है। बहुत मिस्त्री टाइल्स लगाता है लेकिन समझता नहीं कि मेरा टाइल्स बराबर जा रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं बहुत मिस्त्री ये भी करता है कि टाइल अगर हथौड़ी से आप ठोक रहे हो, कहीं कट से मार दिया तो वो टाइल को तुरंत निकाल दो, नहीं तो क्या होता है बाद में बहुत दिक्कत होता है बीच वाला टाइल निकालने में भी, क्योंकि वो क्रैक कर जाता है। उसके बाद आप समझेंगे कि फ्लोरिंग कैसे हमारा लेवल में जा रहा है कि नहीं। जो आप माचन किए हैं उसमें आप ऊपर नीचे देखेंगे कि मेरा फ्लोरिंग ही लेवल में टाइल ही खाली दिखता है कि ज्यादा तो ऊपर नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो समझिए मेरा फ्लोरिंग उठ रहा है। बहुत जगह आप देखे होंगे लाइन डोरी पे लगाता है, तो ये भी लाइन डोरी पे ही है। मैं अब टाइम मिलेगा आपको लाइन डोरी पट्टी सब में दिखाऊंगा आपको। और टाइल आप कभी भी ठोकेंगे तो नीचे आप चेक कर लेंगे कि क्या मेरा टाइल रेती के और माचन के है उसके बराबर में जा रहा है कि नहीं। उठ क्या कभी कभी क्या होता है कि एक कोना उठ जाता है तो उधर से आपका टाइल उठते ही जाएगा, वो मुंह उठते ही जाएगा। तो क्या होता है वो उठते उठते बहुत उठ जाता है, तो आपको ज्यादा घोल पानी लगेगा और टाइल भी बहुत उठ जाएगा लेवल से। तो कभी भी आप देखेंगे कि मेरा पट्टी के लेवल में नीचे जा रहा है टाइल कि नहीं, इसी तरीके से आपको लगाना है। उसके बाद आपको दूसरे मिस्त्री को भी देंगे इसको फ्लोरिंग करने के लिए। वो नया मिस्त्री कैसे फ्लोरिंग करेगा वो भी दिखाऊंगा। देखिए बैठने का ही तरीका अलग हो जाता है, जो नया मिस्त्री है लगाने का बैठने का उसको अलग ही तरीका हो जाता है। ये भी थोड़ा बहुत लगा लेता है लेकिन अभी फुल ट्रेंड नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत लगा लेता है। और उसका बैठने का ही तरीका आप समझ जाएंगे कि टाइल का जो नया में आएगा वो लगाने के लिए फिटिंग करने के लिए, तो उसको क्या होता है थोड़ा बैठने में उठने में बहुत दिक्कत होते रहता है। और ये धीरे धीरे लगाएगा तो बहुत जल्दी लगा लेता है। कोई भी मिस्त्री अगर बराबर काम करते रहेंगे, अगर एक काम को आप 10 दिन करेंगे तो वो काम थोड़ा सब मान लो 6 बजे होता है तो आपको 5 बजे ही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको लगाना है। मेरा टाइल भी देखे होंगे, मेरा टाइल कभी भी ज्यादा पोकल रहता नहीं है। एकाध जगह देखो गलती सबसे होता है, एकाध जगह कई कते हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन टाइल पोकल नहीं होना ही नहीं चाहिए। ऐसा आप माचन कीजिए सब माचन का ही कमाल रहता है। तो ऐसा ही माचन आप करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जो दिक्कत हो रहा है वो कमेंट में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और फिर अगला वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से पट्टी में आपको दिखाऊंगा, लाइन डोरी में दिखाऊंगा कि मेरा टाइल लाइन डोरी में लगता है कि नहीं, पट्टी में लगता है कि नहीं। तो इसी पे आप अगला वीडियो होगा, आप कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो।